आप सभी का चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक बिल्ट इन क्रिएटिव एप्लीकेशन पेंट 3D के साथ काम करना सीखते हैं। पेंट 3D एक बिल्ट इन क्रिएटिव एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के साथ फ्री में आपको मिलता है। यह एक सिंपल एंड पावरफुल एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम प्रोफेशनल और फन क्रिएटिव प्रोजेक्ट 2D एंड 3D टूल्स की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट 3D एप्लीकेशन के साथ काम करना शुरू करते हैं। पेंट 3D का विंडो अपीयर होता है, हमारे सामने एक वेलकम स्क्रीन दिख रहा है जहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपका न्यू है, दूसरा ओपन। न्यू का मतलब होता है कि आप एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। ओपन का मतलब हुआ कि आप पेंट 3D में पहले से कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं, आप उस प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। आपके सामने 3D एप्लीकेशन का विंडो अपीयर होता है। पेंट 3D एप्लीकेशन का विंडो को अगर गौर से देखें तो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स बटे हुए। आइए हम उन कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को समझते हैं। सबसे टॉप पे आपको फाइल का नाम से शो कर रहा है, अनटाइटल। अभी हमने कोई फाइल तैयार नहीं किया है। जैसे ही आप कोई फाइल तैयार करते हैं उस फाइल का नाम यहाँ शो करता है। ये आपका मेनू, यस क्लिक करते हैं, एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन आता है जैसे कि बाकी एप्लीकेशन में आपने देखा है। यहाँ आपके पास कुछ टूल्स हैं, सेलेक्ट टूल्स, यस ये आइटम को या इमेज को सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ पे क्रॉप टूल है, यह जिसके थ्रू हम क्रॉप कर सकते हैं। या मैजिक सेलेक्ट है, देखेंगे मैजिक सेलेक्ट क्या होता है। हम अपने इमेज को 3D व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ से जूम स्लाइडर है जिससे हम जूम कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टूल्स का कैटेगरी बना हुआ है। अब जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप ब्रशेस पे क्लिक करते हैं यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस लाइक मार्कर ब्रश जिसका कुछ ऐसा होगा। आप यहां से कैलीग्राफी पेन ले सकते हैं। आप पेन की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, ओपेसिटी को कम या बेस ज़्यादा कर सकते हैं। यहां से आपका कलर्स को भी आप अलग अलग फॉर्म में बांट सकते हैं। डल मेटल कलर्स टाइप लीजिएगा तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर पॉलिश्ड मेटल शेप लेते हैं तो ये कुछ ऐसा अलग हो जाएगा, ये पॉलिश मेटल सेफ हो गया। उसी तरह से अगर हमें कुछ बिल्ट इन शेप्स लेना, अब देखिए ये जो आइटम्स आपने सेलेक्ट किए, जो आपने आइटम्स ड्रॉ किए हैं, आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करते हैं, पूरे आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट दबाते हैं, सारे आइटम डिलीट हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आपको इस कैनवास पे कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से फिल विद कलर चूज करेंगे। यहाँ से कलर कोई भी ले लिया हमने, यहाँ से उसके टॉलरेंस को लाइट और उस पर फिर क्लिक करते हैं, वो फिल हो जाता है। उसी तरह से अगर हमें कोई शेप ड्रॉ करना है और शेप 2D या 3D तो आप 2D शेप पे क्लिक करते हैं, ये 2D शेप्स आपको मिलेंगे जो कि ऑलरेडी आपने पेंट में भी देखा था। आइए हम 3D शेप की बात करते हैं। 3D शेप पे क्लिक करते हैं, हमें जैसे भी शेप की ज़रूरत है उस शेप को सेलेक्ट करते हैं और ड्रॉ करते हैं। आपके सामने एक 3D शेप ड्रॉ हो जाएगा। अब इस 3D शेप को आप चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, सकते हैं इस तरह से आप जैसे चाहें। अब आप इसे 3D व्यू भी देख सकते हैं, आपके सामने ये 3D व्यू दिख रहा है। यहाँ से आप रोटेट एंड फ्लिप कर सकते हैं फिश को, यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करके उसकी एक कॉपी तैयार कर सकते हैं और फिर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक से ज़्यादा फिशेस दिख रहे हैं, फिर इसको आप रोटेट कर सकते हैं, आप मूव करा सकते हैं। इस तरह से आप और भी शेप्स ले सकते हैं, ऐसे डूडल्स भी हैं।
आपका एक डूडल हो गया, जैसे आप कहीं करके रख सकते हैं। थ्री शेप्स के बाद आते हैं हम आगे बढ़े, यहाँ पे हम अब और भी शेप्स लेना चाहें तो फिर और भी शेप्स ले सकते हैं। आपके सामने एक और शेप दिख रहा है, इस शेप के कलर को यहाँ से चेंज करना चाहें हम कलर चेंज कर सकते हैं। स्टिकर्स की बात करते हैं, यस हमें बहुत सारे स्टिकर्स दिख रहे हैं। आपको अगर कुछ अलग अलग स्टिकर्स लेने हैं आप स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं। और स्टिकर्स लेने हैं आपको इस तरह से अलग अलग स्टिकर्स लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास 2D टेक्स्ट और 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से साइज थोड़ी कम कर देते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एरिया और लिखते हैं पेंट 3D ड्राइंग्स। अब आप इस टेक्स्ट के कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपको कलर पसंद आ रहा है। इसके लिए आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ से अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे 3D व्यू करें तो आप देख सकते हैं ये 3D व्यू में कुछ ऐसा ये शेप दिखेगा। उसी तरह से इफेक्ट भी फीड कर सकते हैं, इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अलग अलग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर पा रहे हैं। कैनवास की बात करें, कैनवास को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कैनवास को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप हाइड करें तो आपका ये कैनवास हाइड हो जाएगा, आपका लुक कुछ ऐसा होगा। कैनवास शो करते हैं, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को ऑन करते हैं तो आपका ट्रांसपेरेंसी ऑन हो जाएगा, कैनवास हाइड हो जाएगा। तो ये है आपके अलग अलग टूल्स जिसका इफेक्ट आपने देखा। उसी तरह से पेस्ट, यस अगर जो आइटम हमने कॉपी किया, जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, आप इसे कहीं और भी पेस्ट करना चाहें यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अंडू, यस अंडू और रेडो हम समझते हैं। पेंट 3D ने हमें एक हिस्ट्री टूल दिया है जहाँ से आप अपने पूरे हिस्ट्री को देख सकते हैं कि आपने किस स्टेप को फॉलो करके क्या क्या इफेक्ट्स आपने अप्लाई किए। अब चाहे तो हिस्ट्री को अगर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें यहाँ से, तो आप जो भी हिस्ट्री कर स्टेप्स हैं उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसका एक वीडियो तैयार कर सकते हैं। यहाँ से हम अलग अलग और भी 3D शेप्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे मैन हो गए, इसके साइज को छोटा कर सकते हैं, यहाँ से हम उसके कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहें तो मेनू में आके इंसर्ट कर सकते हैं कोई फर्दर इमेज जो कहीं पे है। सपोज हमने ये इमेज इंसर्ट किया, ये आपके सामने इमेज दिख रहा है। अब इसको हम लोग मैजिक सेलेक्ट करते हैं, मैजिक सेलेक्ट पे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, आप देख सकते हैं मैजिकली ये सेलेक्ट हो गए। अगर हम इसमें से किसी एरिया को रिमूव करना चाहते हैं, सपोज ये रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे फिर डन करते हैं, ये आपका अलग सेलेक्ट हो जाता है। वापस आप चाहें तो इसमें फिल कर सकते हैं, फिल वही कलर कर सकते हैं, और इस तरह से आपके सामने एक इमेज अपीयर। ये था आपका मैजिक सेलेक्ट। उसी तरह से आपके पास जो भी प्रोजेक्ट आपने अभी तैयार किया है
उसको आप मिक्स रियलिटी व्यू में देखना चाहते हैं, जिसमें आपका अपना इमेज भी ऐड होगा लाइव। यहाँ से कैमरा आपका सामने दिख रहा है, कैमरा की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही, कैमरा के साथ कुछ इश्यू है। अगर आप नेट से कनेक्ट करें तो यहाँ से 3D लाइब्रेरी से आपको अच्छे अच्छे इमेज मिल जाएंगे, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ। और इस तरह से आप चाहें तो आप अपने इमेज को एक 3D वीडियोस के रूप में भी सेव करके रख सकते हैं, देख सकते हैं। सो आपके पास क्रिएटिविटी है, आप अगर डिज़ाइन करना पसंद करते हैं, आप इमेज ड्रॉ करना पसंद करते हैं, तो पेंट 3D एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप ऐसा कुछ तैयार कर सकते हैं और इसे सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से हमने जो भी चीज़ें बनाई उसको हम एक वीडियो फाइल तैयार कर सकते हैं, तो आप वीडियोस बना के देख सकते हैं जो आपने अभी वीडियोस फाइल तैयार करी। इस तरह से आप और भी खूबसूरत वीडियो ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं।